निगम की दूसरी बैठक भी हंगामेदार रही। यह बैठक भी महापौर माफी मांगो के नारे के साथ समाप्त हुई। अब अध्यक्ष ने अगली बैठक की तारीख एक बार फिर घोषित की है। अध्यक्ष का साफ तौर से कहना है, अगर अगली बैठक में भी हंगामा रहा तो मैं कुछ कड़े कदम भी उठा सकता हूं। रीवा नगर निगम परिषद की बैठक हंगामेदार रही। भाजपा के सदस्य हेलमेट लगाकर सदन में पहुंचे। सदन प्रारंभ होते ही भाजपा के सदस्य आसंदी में आ गए और महापौर माफी मांगो के नारे लगाने लगे। उनका साफ तौर से कहना था, सदन में हमें खतरा है, जब तक महापौर माफी नहीं मांगेंगे आगे की कार्रवाई नहीं होगी। जिसके चलते अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने पहले बैठक 5 मिनट के लिए स्थगित की। दोबारा उन्होंने 6 तारीख तक के लिए बैठक स्थगित कर दी। इस बारे में महापौर अजय मिश्रा बाबा का कहना, भाजपा बौखलाई हुई है। इसके पहले जितने भी महापौर हुए उन्होंने एक आदमी के इशारे पर काम किया। यही लोग यह भी चाहते हैं, जिस तरीके से दिल्ली में हुआ उसी तरीके से ये लोग रीवा में करना चाहते हैं। वहीं परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे कहते हैं, अगली बैठक में हंगामा हुआ तो मैं कड़े कदम उठाऊंगा। स्थगित कर दी गई है, क्या कारण बार-बार सफाई स्थगित करना पड़ रहा है? 28 फरवरी को परिषद का चौथा सम्मेलन बुलाया, साधारण सम्मेलन बुलाया गया था। उस पर 4-5 बिंदुओं पर चर्चा भी हुई, उनको पास भी किया गया। उसके बाद फिर पार्षदों में तू तू मैं होने लगी और MIC सदस्य महापौर जी लोग जाकर के भाजपा के जो पार्षद थे उनसे तू तू मैं होने लगी। इसमें आपस में इन लोगों में हाथापाई होने लगी। उस स्थिति को देखते हुए मैंने परिषद कुछ दिन आज दिनांक 2 तारीख के लिए स्थगित कर दिया था। पर आज भी जैसे ही परिषद की कार्यवाही प्रारंभ की गई तो सब लोग वही पर जो BJP के पार्षद थे वो सब आकर एक ही मांग कर रहे थे कि महापौर माफ़ी मांगे। तो हमसे बार बार कह रहे थे कि आप बोलिए महापौर जी माफ़ी मांगे। तो किसी भी सदस्य से माफ़ी मांगने का अधिकार मेरे पास नहीं है। तो मैंने 5 मिनट के लिए बैठक स्थगित कर दी थी। उसके बाद फिर 5 मिनट बाद जब बैठक मैंने चालू की तो दोनों पक्ष से केवल हंगामे की स्थिति बनी रही। इस कारण मैंने बैठक को 6 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया। कहना था कि बीरेन्द्र पटेल नशे में आए थे और उसकी जांच कराई नहीं। कहना किसको क्या कहना है, पत्र चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। क्या किसी ने पत्र दिया है? अगर पत्र देंगे तो उसका भी कराएंगे, जो पत्र देगा उस पर होगा। सदन किसी के झूठे अफवाहों पर नहीं चलेगा। वो लिखित में हमको पत्र दें, हम जाँच करवाएंगे। विपक्ष नेता हेलमेट पहन के आए थे, पुलिस सुरक्षा। हाँ, वो बोल रहे थे कि हमारे साथ मारपीट होती है, ऐसा ऐसा हुआ। एक हमारा साथी दिल्ली में एडमिट हो गया है, उसके साथ मारपीट हुई थी, ऐसा ऐसा उसके सीने में दर्द था। तो हम लोग अपनी रक्षा के लिए आए, तो हम उनको भी नहीं मना कर सकते। अगली बैठक में यदि फिर यही स्थिति बनती फिर क्या होगा? कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। अब अगर दोबारा यही स्थिति होती है महा क्या बार बैठक स्थगित करेंगे? नहीं, कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। ठीक है। जनता पार्टी रीवा के जनता के द्वारा चुना गया महापौर, जो रीवा की जनता ने एक अपने सेवक को चुना, 23 साल रीवा के पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ला के रिमोट से चलने वाला महापौर नगर निगम रीवा में था। 15 साल वो मंत्री थे, अभी वर्तमान विधायक है। रीवा की सारी गलियां, सारी सड़कें, सीवर का काम, स्वीपिंग मशीन घोटाला, नगर निगम में गाय गाड़ना, ये सब कुछ हुआ। पर वो रिमोट कंट्रोल महापौर जो थे उन्होंने कभी उसको इसकी चर्चा नहीं की। 1 अगस्त 2022 को रीवा की जनता ने अपना महापौर चुना, जो रीवा की जनता का सेवक है। विकास के एजेंडे पे चर्चा हो रही थी, जिन माननीय सदस्य वीरेंद्र पटेल ने जो 10 नंबर के हैं उनके बाद में एक मंगल पांडे पार्क, स्वर्गीय मंगल पांडे पार्क, वहाँ पर बालीबाल का हमेशा खेल होता रहता। वहाँ के लोगों की मांग थी कि एक बालीबाल का अच्छा ग्राउंड वहाँ बना दिया जाए, बहुत बड़ा पार्क है। और बालीबाल कबड्डी का टूर्नामेंट महापौर कप के नाम से हर साल हो, हमारे उसमें 10 लाख का बजट का प्रावधान है। पर चूंकि उसमें महापौर नाम जुड़ा है और अच्छा कार्य हो रहा है, वार्ड नंबर 10 के ग्राउंड में बालीबाल का टूर्नामेंट होता, उस मोहल्ले के लोगों की मांग थी, तो उन्होंने उस पर आपत्ति उठाना शुरू किया।
हमने कहा कि आप लोग चर्चा कर लें, इसके बाद उसका जवाब हम दे देंगे। जब मैं सदन का नेता हूं, नगर निगम का महापौर हूं, जनता ने चुन के भेजा है, तो अपनी बात तो रखनी पड़ेगी। जब हमने अपनी बात रखना शुरू की तो उन्होंने टीका टिप्पणी किया, तो स्वाभाविक बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, इनसे घृणित कार्य कोई कर ही नहीं सकता। दिल्ली में 2 महीना महापौर का चुनाव नहीं होने दिए, एलजी उनका गुलाम है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि महापौर का चुनाव होगा, तो आप देख लीजिए स्थानीय समिति की बैठक में जो हंगामा किया दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने, वही हंगामा जिस दिन महापौर की वोटिंग हो रही थी उस दिन किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र हो चुका है। परिषद की गरिमा तार तार हुई थी माननीय अध्यक्ष जी, परिषद की गरिमा तार तार हुई, परिषद में चर्चा नहीं करना चाह रहे। हम चर्चा के लिए तैयार है, मैं चर्चा के लिए तैयार हूँ, पसरते हम लोगों की जो मांग है, सदन की गरिमा तार तार हुई थी माननीय महापौर जी। ठीक है, ये परिषद की बैठक जिस तरीके से स्थगित हुई है, जो हंगामा हुआ है, तो नगर निगम का काम किस तरीके से चलेगा? देखिए, नगर निगम का काम करने के लिए जनता ने हम लोगों को यहाँ चुन के भेजा है कि शहर का विकास करना है। हम लोग उसमें निरंतर महापौर जी का साथ दे रहे थे। उस दिन की घटना को आप लोगों ने भी अपनी आंखों से देखा है, आपके मोबाइल कैमरों में और सभी मीडिया के बंधुओं ने उसको कैद भी किया है। आप भी देखा है कि किसकी गलती है, हमारे सदस्य की गलती बिल्कुल नहीं है। पर माननीय महापौर जी अपनी आसंदी छोड़कर उसको मारने पहुँचे, सूरज केवर जी को धक्का दिया, आप लोगों ने सब देखा है। हम इतनी मांग किए उनसे कि भैया आप माफ़ी मांगो, सदन से माफ़ी मांगो, पर उन्होंने अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं कि माफ़ी मांगेंगे तुम छोटे हो जाएंगे। मेरा फिर से उनसे निवेदन है कि वो माफ़ी मांगे, सदन की कार्रवाई में भाग ले, हम लोग उनके साथ हैं। अगर महापौर जी माफ़ी नहीं मांगते तो क्या ये माना जाए कि सदन की बैठक जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे नहीं होगी? नहीं, सदन की बैठक होगी 6 तारीख को, माननीय अध्यक्ष जी ने दिया है, हम लोग अभी सारे लोग विचार करेंगे, लिखित रूप में माननीय अध्यक्ष जी को देंगे कि माफ़ी मांगने के लिए उनको निवेदन करेंगे, फिर से माफ़ी मांगेंगे। मुझे वीरेंद्र पटेल जी नशे के उसमें ऐसे जांच नहीं कराएगा, क्यों नहीं कराएगा? देखिए, उस दिन नशे में कौन था ये आप लोगों ने भी देखा है, शायद मुझे लगता है कहने वाला उल्टा चोर कोतवाल को नहीं डांटता, यहाँ तो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहे हैं। हमारे पास सारी मेडिकल रिपोर्टें हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उस दिन भी उनका मेडिकल हुआ क्योंकि वो उस दिन बीमार हो गए थे, हार्ट के पेशेंट थे, और ये सारी रिपोर्टें हैं उसमें उनकी। हम लोग खुद उनको लेके गए, वो दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं आज की डेट में, पर माननीय महापौर जी को तो सिर्फ वही उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहे हैं। बैठक में हेलमेट लगा कर आना, ये सुरक्षा की दृष्टि से भाई देख तो रहे हैं आप किस तरह आक्रोशित होते हैं। हमारे 2-3 MIC सदस्य हैं, पुलिस प्रशासन नहीं ध्यान दे रहा है। पुलिस से हम लोगों ने अभी नहीं कहा, अभी तो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से जब वो और आक्रोशित होंगे हमें मारने पीटने और हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश करेंगे तो हम जाएंगे प्रशासन के पास अपनी आवाज़ लेके। आपके अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। देखिए, सदन में व्यवस्था बनाना उन्होंने भी देखा है, हम तो उनसे मांग करेंगे, सदन के वो मुखिया हैं, हम उनसे मांग करेंगे वो व्यवस्था बनाए और उनको कहे, उनसे चर्चा करें। महापौर बोल रहे हैं कि पूरे परिषद MIC से काम चल रहा, परिषद की जरूरत नहीं है। तो हमें तो लगता है जरूरत नहीं है, तो वो तो फिर यहाँ आने नहीं चाहिए उनको। अगर उनको ये लगता है कि वो सारे शहर का खुद मेन मुखिया हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस बिल्डिंग में उनको आना चाहिए। ठीक,